हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइस बात करने वाले हम दो आईपीओस के बारे में। एक है आईआरएम एनर्जी और दूसरा है राजगढ़ कैस्टर। ये दोनों आईपीओस कल यानी कि 20 अक्टूबर को होने वाले हैं क्लोज। तो क्या हमें इन दोनों आईपीओस में लगाना सेफ होगा, नहीं होगा? लेटेस्ट डिटेल्स, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, सब कुछ बताऊंगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें गिरावट आती भी दिखी है, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। सेफ होगा नहीं होगा जाना, किसको लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना, सब कुछ आप इस वीडियो में समझ जाओगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ सके और अपना डिसीजन आप खुद बना सके। तो चलिए अपनी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं आईआरएम एनर्जी से। लेकिन गाइस, इसको बताने से पहले बता दूं कि अगर जो आपने ये वीडियो नहीं देखी है, ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट टू, पार्ट वन आपने देख लिया है, तो भी नहीं देखा है तो भी आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, सीपी कैसे लेते हैं, सब कुछ बता रखा है दोनों पार्ट में। और ये तो बहुत ही जरूरी है, काफी सारे लोग इसी पार्ट पे कंफ्यूज होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, जाके जरूर देख लेना। उसके साथ ही एक ईवी स्टॉक का मैंने थोड़ी देर पहले बहुत ही शानदार न्यूज आया, उसको कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, रियल मल्टीबैगर स्टॉक के नाम से, जाके जरूर देख लेना। तो वापस आते हैं गाइस और हम बात करेंगे पहले नंबर पे आईआरएम एनर्जी के बारे में। डिटेल्स एक बार आप देख लो, आईपीओ का क्लोज होने वाला है, 26 अलॉटमेंट है इसकी और 31 को इसकी लिस्टिंग डेट। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 505 रुपए प्राइस रखा गया है, 545 करोड़ का साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू। यहां पे गाइस रजिस्ट्रार इसका लिंकेड नेम है और 35 दिनों कोटा रिटेलर्स के लिए रखा गया है। इसका बिजनेस और सब कुछ मैंने आपको डिटेल रिव्यू बता दिया था, ठीक है, तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल है, आगे ग्रोथ रहने वाली है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इसके इतने अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल नहीं है। आपको मैंने बताया था कि बोरोइंग भी कुछ रह जाने वाली है इस कंपनी पे, कुछ पे करने के बाद भी। उसके साथ ही जो फाइनेंशियल्स हैं वो डायरेक्ट प्रॉफिट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर जो आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जाकर देखना, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है इसका फाइनेंशियल, बिजनेस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से मार्केट में लोग कम इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन डेटा अगर जो देखोगे तो 4.37 देने को मिल रहा है, ठीक है, टोटल। एंड एक चीज और बता दूं, उसका जो प्राइस बैंड भी महंगा है, अगर जो आप पीयर कंपैरिजन करोगे उसमें भी महंगा है और आपको साफ साफ देखने में मिल जाएगा 500 रुपए का प्राइस बैंड है। तो ये एक तीसरा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में इसमें सब्सक्रिप्शन देने को नहीं मिला है। सिर्फ 545 करोड़ का आईपीओ और इसके साथ कोई भी आईपीओ का ना होना और सिर्फ इतना सब्सक्राइब हुआ है, तो ये काफी कम है, 4.37 टाइम। इवन एम्प्लॉय ने 2 दिन लगा दिए अपना कोटा फुल करने में, जबकि साइज बहुत बड़ा नहीं। रिटेलर्स तो चलो पैसा हर जगह डाल ही देते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन था कि आईबीज ने डे वन पे सब्सक्रिप्शन कर दिया था, बट डे टू पे नहीं आए हैं। तो अगर जो ओवरऑल सारा सिनेरियो का बात करूं तो यहाँ पे देखो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो कमी मैंने आपको डिटेल रिव्यू में बताया था और अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पे भाई मेरे हिसाब से तो आईपीओ में अगर जो इस साइज के हिसाब से बढ़िया सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो अवॉइड ही करने लायक है, रिस्क फैक्टर रह जाने वाला है, खासकर वो लोग जो हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, ठीक है, कई लोग दोस्त से पैसा मांग के लगाते हैं, कई लोग फीस का पैसा लगा देते हैं, तो उनके लिए भाई आईपीओ नहीं है। अगर जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बंपर होता है, कल मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ, वहां पे आपको इस तरह का चार्ट देखने को मिल जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल, इंट्राडे लेवल, स्विंग कॉल, पोजिशनल कॉल और अर्निंग के बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। नंबर एक पे लिंक इसका है, जुड़ जाओ, नंबर दो पे न्यूज चैनल का, नंबर तीन पे इंस्टाग्राम का, काफी बेनिफिट है। तो यहां पे आपको मैं बता दूंगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, एक बार। लेकिन फिलहाल ये आईपीओ जिन लोगों का मैंने नाम लिया है वो तो अवॉइड ही करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फेवर में नहीं है और लोग इंटरेस्टेड नहीं देखें, ठीक है। हालांकि एक पॉइंट होता है कि क्यूआईबी जो है वो डे थ्री में आते हैं, तो देखो क्यूआईबी का देखना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आईपीओ में क्यूआईबी एंकर इन्वेस्टर ना, ये इनसे 1-to-1 एक टेबल बैठ के बात कर रहे होते हैं कि भाई क्या फ्यूचर प्लान है, जो बोरिंग है वो इतना कम कर रहे हो, उसके बाद कितना आपको उस पे इंटरेस्ट देना है, क्या चीजें हैं, सब कुछ बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ना डायरेक्ट उनको बेनिफिट दे देती हैं कि वो डिसीजन ले सके, और ये सारी सुविधा हमारे पास है नहीं। अगर जो कहीं इंटरव्यू देख लिया तो उसमें भी प्रमोटर ने गलत बोल दिया तो हम क्या ही करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो फिलहाल देखो अगर जो रिस्क नहीं चाहिए तो आईपीओ अवॉइड करो, बाकी कल एक बार मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, अगर जो रिस्क हटता है कि अभी इंटरेस्टेड दिखते हैं मुझे तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रिस्क ही रहने वाला है आईपीओ, ठीक है। ग्रे मार्केट पे भी गिरा है, 50 से 55 रुपए देने को मिल रहा है, जो कि 60-65 तक था, 70 तक भी जाता हुआ दिखा था। करंट में इसके हिसाब से देखें तो सिर्फ 10-11% का गेन होता है जीएमपी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वही है 10-15% तक का गेन और इतना ही आपको नीचे का रिस्क लेके चलना पड़ेगा करंट सिनेरियो में। तो आप क्या करने वाले हो बताना जरूर। एंड गाइस आपको बता दूं कि यही है नंबर दो वाला लिंक, नंबर दो मैंने बोला ना न्यूज चैनल है, नंबर एक पे आपको वो बता दी सारी चीज। तो यहाँ पे आपको ऐसे सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सारा कुछ देखने को मिल जाता है, मार्केट जितनी मेरी फाइन न्यूज होती है जरूर ज्वाइन कर लेना दोनों चैनल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजगढ़ कैस्टर के बारे में। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने दे दिया है, तो बिजनेस और फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर जो यहाँ पे ओवरऑल चीजें देखी जाना है तो सारा कुछ ठीक है, बस यहाँ पे बोरोइंग का इशू है राजगढ़ में, ठीक है। बोरोइंग अगर जो ये खत्म कर देते हैं अपनी तो यहाँ पे चीजें अच्छी हो जाती, लेकिन इसी की वजह से हमें थोड़ा सा ये आईपीओ जो है पीछे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज आईपीओ अच्छा करता दिखता है। तो गाइस राजगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे आपको
रुकना है, वेट करना है। अगर जो साइज के हिसाब से 47 करोड़ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन जो है एटलीस्ट 50-55 टाइम हो जाता है तो आप लगाओ, अदरवाइज इसको भी इग्नोर कर दो, छोटी मोटी लिस्टिंग इन मिल जाने वाली है। लेकिन मार्केट अगर जो नहीं इसकी साइड रहा, मतलब मार्केट नेगेटिव रहा किसी भी वजह से, तो ये आईपीओ आपको फंसा देगा, क्योंकि इसमें आपको लॉट में सेल करना होता है और इसमें लोअर सेकंड टू लोअर साइड गेम चल जाने वाली है। साइज 50 करोड़ का है, आसानी से सेल हो सकता है, पर बायर मिलने जरूरी है ना, और जो बायर नहीं मिले तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंसी है इस आईपीओ की, अदरवाइज आप रहने दो। अगर जो आप नए हो तो मेरे हिसाब से नहीं ही लगाओ, क्योंकि करंट सिनेरियो में जो मार्केट सिचुएशन है और जो एसएमई कैटेगरी सिचुएशन है, कोई खास आईपीओ है नहीं, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आता है तो इसको लोग नेगेटिव ही लेंगे, और जो नेगेटिव पार्ट था मैंने डिटेल में आपको बताई दी। तो यहाँ पे इस आईपीओ में आप रिस्क लो तो ही लगाओ, और वो जो सब्सक्रिप्शन फिगर बताया उससे ज्यादा हो जाए तो आपको रिस्क कम रहेगा, गेन थोड़ा सा, ठीक है, मतलब वो सेफ्टी पॉइंट है एक तरीके से, जो सब्सक्रिप्शन का फिगर मैंने आप। अब राजगौर के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात हो गई, तो हमें 8 से 10 रुपए देने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से करीब 20% गेन होता है, तो इसके हिसाब से जीएमपी में 20% डिमांड कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्या करने वाले हो आप बताना जरूर, मेरी जो चीजें हैं मैंने आपको क्लियरली बता दी, जो मुझे लगता है जो मैं करता इन दोनों आईपीओस में। कुछ और आपको पूछना हो कमेंट में से पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियोस के और टेलीग्राम के, ज्वाइन जरूर करना, वीडियो देखना। मिलते हैं वीडियो में, करते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, प्लीज स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।